प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदीशा विजुअल मीडिया की प्रभात प्रार्थना में स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए परमेश्वर का वचन मनन करके आज का हमारा दिन हम शुरू करें। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पांचवा अध्याय 14वां पद, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। वचन में लिखा है मसीह का प्रेम विवश कर देता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रेरित पौलुस ने यहां वर्णित किया है, मसीह का प्रेम उनके जीवन में कैसे विवश कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के हर एक आदर महिमा छोड़कर पृथ्वी पे आकर अपने जीवन क्रूस पर बलिदान किया है, आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाया, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है। परमेश्वर चाहते हैं कोई भी नाश न होना है। इस प्रेम को प्रेरित पौलुस ने पहचान लिया है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। परमेश्वर का प्रेम प्रेरित पौलुस ने पहचान लिया है, अनुभव किया है, इसलिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर के अपोस्तल कहलाता है। पौलुस ने कहा है कि कोई भी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया है, परमेश्वर की सामर्थ महसूस किया है, इसलिए कोई भी सामर्थ को प्रभु के प्रेम से उनको अलग कर नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम प्रेरित पौलुस को विवश कर देता है, इसलिए उनको जीवन में जो थे सब कुछ कूड़ा समझकर फेंक दिया है। कोई भी धन दौलत उनको भ्रमित नहीं किया है, सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया है। वचन में लिखा है पृथ्वी के चौर तक जाकर परमेश्वर के गवाह बनना है। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की प्रेम विवश कर देता है कि परमेश्वर को वचन प्रचार करने के लिए, वचन पृथ्वी के चौर तक जाकर सुनाने के लिए। देखिए वचन में लिखा है पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 16वां पद में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊ तो मुझ पर हाय। परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए वो इतना इच्छुक थे, इतना चाहते थे। सुसमाचार सुनाना प्रेरित पौलुस के जीवन में कोई घमंड की बात नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम उनको विवश कर देता है कि परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए। मसीह का प्रेम प्रेरित पौलुस को विवश कर देता है, इसलिए उनको जीवन में जो समस्या आए थे, कठिनाई आए थे, ये सब पार कर दिया है। वचन में लिखा है अधिक लोगों को खींचने के लिए अपने आप को दास बना दिया है। एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था पौलुस के जीवन में, इसलिए परमेश्वर की वचन सुनाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हमारे जीवन में दिया था कि प्रभु के वचन की प्रचार, जो अवसर मिलता है वचन की प्रचार कर लीजिए, सुसमाचार सुनाइए, क्योंकि सब लोग उद्धार पा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पवित्र उपस्थित माने के लिए आपने एक और अवसर भी दिया। धन्यवाद के साथ आपके हाथ में समर्पित करते पिता, पृथ्वी के छोर तक जाकर प्रभु जी आपके वजन सुनाने के लिए हमें नया सामर्थ और बल से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।